हाय आई एम डॉक्टर पी के तलवार कॉस्मेटिक सर्जन न्यू डेली एंड आई एम प्रैक्टिसिंग कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर मोर देन थर्टी ईयर्स नाउ प्रीवियसली आई वॉज अटैच टू अपोलो एंड मैक्स हॉस्पिटल्स एंड आई एम रनिंग माई ओन कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर एट ग्रेटर क्लास पार्ट वन न्यू डेली हमारे एक दर्शक की क्वेरी आई है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट को सेटल होने में कितना टाइम लगता है तो ये काफ़ी उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही पूछा है अगर वो ब्रेस्ट के बारे में कुछ करवाना चाहती हैं तो देखिए ऐसा है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट जो होता है ये हम लोग मैंने जब एक बार पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रेस्ट इम्प्लांट को हम लोग ब्रेस्ट के नीचे डाल देते हैं या तो वो ब्रेस्ट सीधे ब्रेस्ट के नीचे होता है या मसल के नीचे डाल देते हैं तो ये ब्रेस्ट के पीछे जाता है और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कट लेना पड़ता है कट आप चाहे तो यहां पे ले लें ब्रश के नीचे ले लें निपल एरियोलर जंक्शन पे ले लें या आप अंडर आर्म से ले लें कहीं से भी लेके आप ब्रश इम्प्लांट को स्लिप कर सकते हैं अच्छा जब आपने ये काम कर दिया तो जो वूंड है इसको भरने में सात दिन लगते हैं बल्कि आप ये समझ लीजिए कि सर कोई भी सर्जरी होती है तो किसी भी वूड को हील होने में सात आठ दिन लग जाते हैं उसमें वो हील अप हो जाता है किसी किसी रेयर केस में हो सकता है दस दिन लग जाएगा बट प्रैक्टिकली हम लोग ये पकड़ कर चलते हैं कि सात से आठ दिन में आपका ये वूड हील हो जाएगा तो ये तो रही एक बात कि वो उस जगह की हीलिंग हो जाती है उसके बाद बॉडी जो होती है वो इम्प्लांट एक फॉरन बॉडी है और बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक उसके चारों तरफ एक झिल्ली बनाती है इम्प्लांट के चारों तरफ तो एक झिल्ली बनाती है ताकि बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इसको हम कैप्सूल बोलते हैं तो भी ये जो झिल्ली की प्रक्रिया शुरू हो जाती है इसके बाद हम लोग पेशेंट को बोलते हैं आप थोड़ा हल्का सा मसाज वगैरह थोड़ा कीजिए ताकि पॉकेट जो है ज़्यादा श्रिंक ना करे क्योंकि अगर झिल्ली श्रिंक कर गई तो इसको हम झिल्ली को हमने कहा कि झिल्ली जो बनाती है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं वो नॉर्मल है और वो हर ब्रेस्ट में वो बनती झिल्ली है ये नॉर्मल नॉर्मल प्रोसेस है हीलिंग की लेकिन कुछ केसेस में वो झिल्ली किसी कारण से श्रिंक कर जाती है जब वो झिल्ली श्रिंक कर जाती है तो वो ब्रेस्ट हार्ड हो जाती है और हम ये नहीं चाहते कैसा हो तो इसके लिए हम लोग जो है हम जो कोशिश करते हैं पूरा एसेप्टिक प्रिकॉशन है इम्प्लांट का सर्ज जब सर्जरी करें उस टाइम कोई इन्फेक्शन ना हो जिसके कारण कि झिल्ली श्रिंक करे और हम लोग यूजली मसाज वगैरह भी बताते हैं ताकि वो झिल्ली को श्रिंक करने का मौका ना मिले तो ये मसाज वगैरह जो है ये हम लोग यूजली साल भर तक करते रहते हैं एक साल तक हल्का हल्का मसाज कीजिए कैप्सूल श्रिंक ना करें उसके कारण और आ, जो मसाज आप करेंगे इस अगर और इन्फेक्शन अगर नहीं हुआ है कई बार सब क्रॉनिक इन्फेक्शन किसी कारण हो सकता है या क्रॉनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर वो नहीं हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक साल तक आपको कुछ नहीं होता तो प्रैक्टिकली यू आर वेरी सेफ कि आपको कैप्सूल कॉम्सर वगैरह ये नहीं होगा लेकिन वूंद जहाँ तक हीलिंग वो सात दिन में वून भर जाता है आपका उसके बाद हम लोग जेंटल मसाज या बाकी चीज़ें करा सकते हैं तो अगर आप उस हिसाब से देख रहे हैं कि हमें कब सेटल होना है तो देखिए सेटल अगर कैप्सूल का आपको केयर करनी है तो आप ये समझेंगे हमने साल भर तक केयर करनी है उसकी और लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी बॉडी की हीलिंग कब हो जाएगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके सात आठ दिन में आपका वोन भर जाएगा है ना उसके बाद आपको जो फिजियोथेरेपी शुरू करनी पड़ कर सकते हैं तो आपके प्रश्न में आप किस चीज़ पर इंसिस कर रहे थे ये हमें चूँकि पता नहीं चला इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि हीलिंग है वो सात आठ दिन में ठीक हो जाएगी लेकिन कुछ केयर जो ब्रेस्ट की करनी पड़ती है हो सकता है वो आपको एक साल तक करनी पड़े वो आपके सर सर्ज, जो सर्जन है वो आपको खुद एडवाइस करेंगे कि आपको कितने महीने तक मसाज करना है नहीं करना है और कैसे करना ये सब कई चीजें होती है इसमें तो ये चीजें आपके सर्जन डिसाइड करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपने का जो प्रश्न है उसका उत्तर आप समझ गए होंगे हीलिंग सेवन टू एट डेज केयर डिपेंड करता है आपके सर्जन के ऊपर कब तक मसाज वगैरह बताते हैं तीन महीने छः महीने साल भर तो आपको उस हिसाब से उनके हिसाब से चलना पड़ता है ताकि कैप्सूल कॉन्ट्रेक्शन ना हो और अगर किसी को पोस्ट ऑपरेटिव किसी कारण से इन्फेक्शन होता है किसी और कारण से भी और कैप्सूल को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो देन देरस हम लोगों को स्पेशल तरह के मसाज बताते हैं पेशेंट को लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने सर्जन के टच में रहना चाहिए कॉन्स्टेंट मतलब जब जब वो फॉलोअप के लिए आपको बुलाते हैं आपको तब तक वहां जाना चाहिए तो अगर आप उनके टच में रहेंगे तो आपको जो भी कॉम्प्लिकेशन है कैप्सूल कॉन्ट्रेक्चर का है, दूसरा या कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है या इन्फेक्शन के भी साइन आ रहे हैं तो डॉक्टर आपको तु, उसको तुरंत पहचान लेते हैं और उसी हिसाब से आपका निदान करते हैं तो मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद भी कि भाई आपको आना चाहिए कम से कम साल भर बल्कि सालों साल आना चाहिए साल में एक एक बार आ गए फिर एक साल बाद आ गए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है जब 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 सर्जन बुलाए तो डॉक्टर के हिसाब से हमको फॉलोअप जरूर करना चाहिए फॉलोअप वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग समझते नहीं है हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती है। कि सर्जरी कराई इम्प्लान ठीक है शादी हो गई नाउ नथिंग विल हैपन बट इट्स नॉट लाइक दैट आपको हर चीज़ की केयर करनी पड़ती है वो केयर जो है वो आपका स... जिस जब जब आपके सर्जन आपको बुलाए कॉस्मेटिक सर्जन आपको आना है आपको उस टाइम जाना चाहिए फॉलोअप कराना चाहिए दिखाना चाहिए तो ये केयर जो भी होती है सब कॉस्मेटिक सर्जिक होती है लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और हीलिंग का जहाँ तक सवाल है वो आपको मैंने बताया सात आठ दिन वो हीलिंग ठीक हो जाती है तो दोनों ही चीज़ें हैं मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो भी प्रश्न था मैंने मैं एग्जैक्ट नहीं उसको समझ पाया लेकिन मैंने दोनों ही प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो आपका स्वागत है आप हमारी टीम से संपर्क करें हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में और अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच